हेलो एवरीवन, दिस इज हमाद और आज की ये वीडियो उन इंडियन व्यूअर्स के लिए है कि जो कैनवा यूज तो करते हैं लेकिन उनको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम आता है। मींस दैट कि अगर आप हिंदी में कोई पोस्टर डिजाइन करना चाह रहे हैं या कुछ भी डिजाइन करना चाह रहे हैं, आप उसमें हिंदी लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें किस तरह से अमेजिंग हिंदी फॉन्ट्स आप अपलोड करेंगे, किस तरह से हिंदी फॉन्ट्स में लिखेंगे, किस तरह से सारे काम करेंगे, विदाउट एनी डिले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी ट्यूटोरियल मौजूद है जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है और बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल ऑन द वे है जो मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें। आपने सिंपली canva.com पे आ जाना है, इसी तरह से ओपन कर लेना है। आपने करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी एक डायमेंशन का साइज का जो वो ले लेना है, कैनवस आप ले लें उसमें से। यहाँ पे आपको पता है कि आपने टेम्पलेट किस तरह से यूज करना है और सारे काम आपको कैनवा पे ऑलरेडी आते हैं। किसी भी एक टेम्पलेट को आपने ले लेना है। सपोज दैट मैं ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ। अब इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंडियन एक ट्रेडिशनल चीजें पड़ी हुई है। मुझे यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखना है तो वो मैं किस तरह से लिखूंगा अब वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आ जाना है इनपुट टूल्स के ऑप्शन पे, ये सर्च कर लेना है। ये इस तरह का आपके पास टूल आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। सपोज दैट मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखता हूँ अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं हिंदी कैसे लिखते हैं। अब यहाँ से आपने देखा है मैंने किस तरह लिखा है, सिंपली इंग्लिश में मैंने लिखा है, उसको मैंने फिर हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा तो ये यहाँ पे तो आ जाएगा लिखा हुआ, लेकिन इसका फॉन्ट इतना अच्छा नहीं मुझे लग रहा। यहाँ पे मैं कैनवा लिख देता हूँ, जरा इंग्लिश में कैनवा इंग्लिश में लिखेंगे। अब हिंदी में मैंने लिखा है कि कैनवा में हिंदी कैसे लिखते हैं। अब आपने ये देख लिया, अब इसके फॉन्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फॉन्ट अच्छा चाहिए कैनवा में। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा हिंदी फॉन्ट्स। आपको जो भी हिंदी की फॉन्ट पसंद है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट नाम लेके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी फॉन्ट्स का एक साइट है वो ओपन कर ली है। यहाँ पे काफी सारी फॉन्ट्स दी गई हैं, इनमें से ये वाली सपोज दैट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कि चनाकिया रेगुलर। ये यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर लूंगा, ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरे पास जिप फाइल आ चुकी है, इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब इस वाले फोल्डर को पूरे को मैंने अपलोड करना है। कैनवा पे आपने आ जाना है, आपने फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना है। अपलोड अ फॉन्ट का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये देखे ये ओपन हो जाएगा, ये फाइल जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पे ऑप्शन वो दे रहा है कि ये फॉन्ट है, एक्नॉलेज के ये फलां फलां फॉन्ट आप अपलोड कर रहे हैं। मैंने कहना है यस अपलोड अवे। ये फॉन्ट आपके पास अपलोड हो चुकी है। अब आपने अगर ये फॉन्ट इस वाले पे अप्लाई करना है, इस टेक्स्ट पे, तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है, आपके पास अपलोड फॉन्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपकी फॉन्ट कहाँ पे है, ये मौजूद है जी। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फॉन्ट इस पे अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट दैट कि आप किस तरह से कैनवा में हिंदी लिख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड फर्दर ट्यूटोरियल देखने हैं या किसी और चीज से रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने इस ट्यूटोरियल को देखते हुए कोई भी पोस्टर डिजाइन किया तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे टैग कर सकते हैं अपना पोस्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें।